दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को 9 साल की उस मृतका के परिजनों से मिलने गए जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस दौरान वह पीड़िता के परिवार वालों से मिले और 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। लेकिन केजरीवाल वहां जब लोगों को संबोधित करने के लिए मंच पर चढ़े तो उस पर इतनी भीड़ हो गई कि मंच ही टूट गया। मंच के टूटते ही उस पर मौजूद सीएम केजरीवाल समेत तमाम लोग गिर पड़े। वहीं केजरीवाल ने लड़की के परिवार से मिलने के बाद हिंदी में ट्वीट किया, मैं लड़की के परिवार से मिला, उसका दर्द बांटा, हम परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे, मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी, दोषियों को सजा दिलाने के लिए शीर्ष वकीलों को लगाया जाएगा, केंद्र सरकार को कानून में सुधार के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, हम पूरा सहयोग करेंगे। इससे पहले केजरीवाल ने घटना पर दुख जताते हुए कहा, दिल्ली में 9 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या शर्मनाक है, दिल्ली में कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इस घटना को लेकर रविवार से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और कई राजनेता धरना स्थल का दौरा भी कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मासूम बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और उनके लिए न्याय की मांग की। मंगलवार को गांधी ने इस घटना की रिपोर्टिंग करने वाली एक हिंदी समाचार क्लिप को टैग किया और ट्वीट किया, दलित की बेटी भी देश की बेटी है। वहीं आप विधायक और दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष राखी बिड़ला और दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा था कि 3 डॉक्टरों का एक बोर्ड बच्ची के जले हुए अवशेषों का पोस्टमार्टम करेगा। इस मामले में शमशान घाट के एक पुजारी सहित 4 लोगों को बलात्कार, हत्या और धमकी के आरोप, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम और SC/ST अधिनियम में संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आरोपियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक कूलर से पानी लाते समय बिजली का करंट लगने से लड़की की मौत हो गई थी, लेकिन परिवार ने आरोप लगाया कि संदिग्धों ने पुलिस को उसकी मौत की सूचना देने से डराने के बाद आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार करा दिया था। 4 लोगों को मौत की सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से त्वरित न्याय की मांग करते हुए लड़की के माता पिता और स्थानीय निवासियों, राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित लगभग 200 लोग शमशान के पास पंखा रोड पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरफ्तार लोगों की पहचान राधेश्याम 55 वर्षीय, सलीम 55 वर्षीय, लक्ष्मी नारायण 49 वर्षीय और कुलदीप 63 वर्षीय के रूप में हुई है।